पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ है? सूर्य हमारे ब्रह्मांड यानी कि मिल्की वे का हिस्सा है। अरबों साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल इकट्ठे हुए, ये एक दूसरे से जुड़कर एक आकार लेने लगे। धीरे धीरे ये ठोस होते गए, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल भी पैदा होता गया और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की क्रियाओं से ऊर्जा पैदा होने लगी। गैसों के इसी गोले को आज हम सूर्य कहते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य पर कोई भी सतह नहीं है, यह पूरी तरह से गैस का बना हुआ है। अगर सूर्य में सारी ऊर्जा खत्म हो जाए तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। सूर्य में 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य तत्व मौजूद हैं। हाइड्रोजन के कारण ही यह इतनी ऊर्जा पैदा करता है। नासा के मुताबिक सूर्य किसी ग्रह या फिर तारे के चारों ओर नहीं बल्कि अपनी ही धुरी पर घूमता रहता है। सूर्य करीब 27 दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो सारे ग्रह सूर्य से दूर होकर अंतरिक्ष में इधर उधर चले जाएंगे। गैलीलियो ने सूर्य के काले धब्बों को देखा था, जिन्हें सन स्पॉट कहा जाता है। उन्होंने अपनी दूरबीन से सूर्य को देखा तो पाया कि ये काले धब्बे हिलते हैं और गायब हो जाते हैं और फिर से वापस लौट आते हैं।